हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल आप सबका स्वागत करती हूँ, वेलकम करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब लोग जो है हेल एंड हार्टी हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है, जो सब्जेक्ट है, दैट इज़ द ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के अंदर हम बहुत ही सिग्निफिकेंट टॉपिक दैट इज़ द कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट या मैनेजमेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, दैट इज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट टॉपिक फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। और वही जो टॉपिक है दैट इज़ ऑल्सो रेलिवेंट फॉर द नेट स्टूडेंट्स कॉमर्स मैनेजमेंट। इसके ऊपर पहले भी मेरा वीडियो जो है डल चुका है, बट यहाँ पे मैं कॉन्फ्लिक्ट को बहुत डिटेल के अंदर हम करने वाले हैं, तीन पार्ट्स के अंदर करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट के अंदर जो आज का जो हमारा फोकस रहेगा, वी विल अंडरस्टैंड वट इज़ द मीनिंग ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, वट आर द डेफिनेशन ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट, एंड जो कॉन्फ्लिक्ट है उसके फंक्शनल और डिसफंक्शनल एस्पेक्ट्स क्या होते हैं, जैसे वेरियस व्यूज हैं, ट्रेडिशनल है, मॉडर्न व्यूज हैं, तो उन सबको हम अंडरस्टैंड करेंगे। ह्यूमन रिलेशन व्यूज हैं, तो इसके जो रिटन नोट्स हैं वो भी आपको मेरे ब्लॉग पे अवेलेबल हो जाएंगे जैसे ही हमारा ये टॉपिक खत्म होगा। देखो, जो कॉन्फ्लिक्ट है, जिसका हिंदी के अंदर मतलब होता है लड़ाई झगड़ा, झगड़ा जिसको कह लो, ये हमारी आम जो लाइफ है उसका एक हिस्सा है। हमारे पड़ोस में कोई रहता है तो हो सकता है कि किसी कारणवश उनसे हमारे मतभेद हो, तो डैट इज़ ऑल्सो ए कॉन्फ्लिक्ट। इवन घर के अंदर भी क्या होता है कि जैसे फैमिली के अंदर भी डिफरेंट व्यूज हो सकते हैं, कि जैसे कोई टॉपिक है तो उसके बारे में बच्चों का व्यू पॉइंट कुछ और हो सकता है, हस्बैंड का कुछ और हो सकता है, वाइफ का कुछ और हो सकता है, तो वहाँ पे भी क्या है, कॉन्फ्लिक्ट होती है। वेन एवर देर इज ए इंट्रैक्शन देर इज ए कॉन्फ्लिक्ट, जब भी दो लोगों के बीच में बातचीत होती है तो डेफिनेटली वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होती है, क्योंकि अपोजिंग व्यूज हो सकते हैं। कई बार देखो, हम कह सकते हैं कि इसके माइंड के अंदर कॉन्फ्लिक्ट चल रही है। और रिगले ये कहते हैं कि व्हेन टू पीपल इन बिजनेस दे ऑलवेज एग्री, तो इसका मतलब है कि उनमें से एक जो है अननेसेसरी है। और कॉन्फ्लिक्ट जो है हमारा बिहेवियर, क्योंकि अगर हमारे किसी के साथ मतभेद है तो हमारे उसके बारे में जो है नेगेटिव एटीट्यूड होता है, हमारी परफॉर्मेंस, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट हमारे माइंड में चल रही है तो हमारी परफॉर्मेंस, हमारी सेटिस्फेक्शन को इफेक्ट करती है। और कॉन्फ्लिक्ट की वजह से क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बड़ी एडवर्स सिचुएशंस, एम्बैरेसिंग सिचुएशंस हो जाती हैं। तो जो मैनेजमेंट है वो हमेशा चाहती है कि जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको अवॉइड किया जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। और वैसे भी देखो, जो कॉन्फ्लिक्ट है, जब हम कॉन्फ्लिक्ट की बात करते हैं तो जहाँ पे भी दो बर्तन होते हैं वो हमेशा खटकते ही हैं। जंग एंड मैगनसन डिफाइंड कॉन्फ्लिक्ट एज द स्ट्रगल बिटवीन इनकम्पैटिबल और अपोजिंग नीड्स, विशेज, आइडियाज, इंटरेस्ट और पीपल। देखो, कॉन्फ्लिक्ट जो है, जब हमारे वहाँ पे नीड्स, विशेज, आइडियाज, इंटरेस्ट और पीपल जो है उनकी आपस में इनकम्पैटिबिलिटी होती है। जैसे घर के अंदर भी क्या है कि देखो, टीवी एक है, हस्बैंड ने मैच देखना है, वही टाइम है, उसी टाइम पे मैच भी आ रहा है, उसी टाइम पे आपकी वाइफ का फेवरेट सीरियल भी आ रहा है और बच्चों ने उस वक्त इंग्लिश मूवी भी देखनी है, तो डेफिनेटली वहाँ पे भी क्या है, स्ट्रगल है कि कौन जो है क्या देखेगा। ठीक है, तो कॉन्फ्लिक्ट जो है दैट इज एसोसिएटेड विद द सिचुएशन दैट इन्वॉल्व कॉन्ट्राडिक्टरी और इनरिकनसाइलेबल इंटरेस्ट बिटवीन टू अपोजिंग ग्रुप्स, दो अपोजिंग ग्रुप्स। जैसे इंडिया के अंदर क्या है कि देखो, जो मेन थ्री पॉलिटिकल पार्टीज हैं सेंट्रल लेवल पे, जैसे कांग्रेस है, बीजेपी है, आप हैं, अगर बीजेपी कोई काम करती है तो कांग्रेस उसको अपोज करती है, अगर कोई कांग्रेस काम करती है तो बीजेपी उसको अपोज करती है। तो डेफिनेटली कॉन्फ्लिक्ट इज एसोसिएटेड विद द सिचुएशन दैट इन्वॉल्व कॉन्ट्राडिक्टरी और इनरिकनसाइलेबल इंटरेस्ट बिटवीन द टू अपोजिंग ग्रुप्स, के दो ग्रुप्स हैं जिनकी आपस में मतभेद है, व्यू पॉइंट डिफरेंट है, तो वहाँ पे जहाँ पे दोनों के जो इंटरेस्ट है वो एक दूसरे के साथ रिकनसाइल नहीं होते, तो जिसकी वजह से क्या है कि वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट एमर्ज करती है। और जब हम कॉन्फ्लिक्ट को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं तो डैट इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ हॉस्टिलिटी, कि मेरे इसके साथ नहीं बनती, मैं तो इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, या वी हैव ए नेगेटिव एटीट्यूड। एंटागोनिज्म मीन्स कि जिसके अंदर हमारी उसके प्रति हेट्रेड है, अगर वो कोई अच्छा व्यू पॉइंट देता है तो भी हम उसके प्रति अपनी नेगेटिविटी शो करते हैं, एग्रेशन है, मिसअंडरस्टैंडिंग है। और देखो, यहाँ पे बेसिकली जो है कि जब जो है बेसिकली जो कॉन्फ्लिक्ट है, इसको हम ऐसे सिचुएशन भी हो सकती है जहाँ पे हमारे जो दो अपोजिंग ग्रुप्स हैं उनके जो इंटरेस्ट हैं, उनके जो व्यू पॉइंट्स हैं, वो दूसरे से डिफरेंट है,
ऑब्जेक्टिव डिफरेंट है जो रिकनसाइल नहीं हो सकते। लुइस आर पॉन्डी डिफाइंस, उन्होंने बहुत एक कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन दी है, एंटीसीडेंट कंडीशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिहेवियर सच एज स्केयरसिटी ऑफ रिसोर्सेज और बी पॉलिसी डिफरेंस। कई बार क्या होता है कि रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि आपस में कि ये ज़्यादा ना ले जाए, ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है कि एंटीसीडेंट कंडीशंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिहेवियर के वहाँ पे आपस में जब डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर जो है रिसोर्स की एलोकेशन होनी है तो वहाँ पे मतभेद हो सकता है। और उसी तरह क्या है कि देखो इफेक्टिव स्टेट ऑफ इंडिविजुअल, जिसके अंदर इंडिविजुअल जो कि इफेक्टेड है, जो उसके बिहेवियर से शो होता है, स्ट्रेस है, टेंशन है, हॉस्टिलिटी है, एंजाइटी है। कॉग्निटिव स्टेट ऑफ इंडिविजुअल के अंदर क्या है कि देखो यहाँ पे हमें लगता है वी आर अवेयर कि हमारे दिमाग के अंदर कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, तो जो कॉन्फ्लिक्टिव बिहेवियर होता है कई बार क्या होता है कि हम सबमिसिव होते हैं, वहाँ पे हम ज़्यादा रेजिस्ट नहीं करते या कई बार बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। जैसे हमारा कोई बॉस व्यू पॉइंट देता है और उस व्यू पॉइंट से हम सहमत नहीं हैं तो हम चुपके से सिर हिला देते हैं, बट मन ही मन सोचते हैं कि बहुत ख़राब व्यू पॉइंट है जिससे हम एग्री नहीं करते, तो वहाँ दिमाग के अंदर एंजाइटी, दिमाग के अंदर स्ट्रेस चलने लग जाता है। बट कई बार क्या होता है कि हम बॉस को कहते हैं कि योर पॉइंट व्यू पॉइंट इज़ टोटली डिफरेंट। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे ओवर एग्रेसिवली कि आपने उस बंदे को, जैसे कोई बंदा अपना व्यू पॉइंट बोलता है, आप उसको जो है ओवर एक्ट करते हो, तो कॉन्फ्लिक्टिव बिहेवियर जो है इस तरह से भी हो सकता है, पैसिव भी हो सकता है और ओवर एग्रेसिव भी हो सकता है। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट व्हेन इंडिविजुअल्स दे आर नॉट एबल टू चूज अमंग अवेलेबल ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। देखो कई बार क्या होता है कि जैसे इंडिविजुअल जो होते हैं वो जो उनके पास अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शंस होते हैं उनमें से वो सिलेक्ट नहीं कर पाते तो भी कॉन्फ्लिक्ट होती है। जैसे एक कमेटी बना दी जाए तो उनको कहा जाए कि आप ये डिसाइड करो कि कौन सा कोर्स हमारे लिए बेटर है, कौन सी मतलब स्ट्रैटेजी हमें अडॉप्ट करनी चाहिए, तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट कंसेंसस नहीं होता। तो व्हेन इंडिविजुअल दे नॉट एबल टू चूज अमंग अवेलेबल ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू इंडिविजुअल्स इम्प्लाई डैट दे हैव कॉन्फ्लिक्ट ऑफ परसेप्शन। जब दो व्यक्ति होते हैं, जैसे मैंने पंजाबी में भी आपको बताया था कि जितने दो भांडे होते हैं उतने हमेशा खड़कन हुंदा ही हुंदा है, खटकते ही है। जहाँ पे भी दो इंडिविजुअल हैं तो वहाँ पे उनका परसेप्शन वैल्यू और गोल जो है डाइवर्जेंट एक दूसरे से हो सकता है। और जो कॉन्फ्लिक्ट की हम बात करते हैं तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि बहुत सारे इवेंट्स, जैसे इसने मुझे ये कहा था या उस वक्त इसने मुझे सपोर्ट नहीं किया था, तो कॉन्फ्लिक्ट जो है डैट इज़ ए डायनामिक प्रोसेस। काफ़ी सारी जो है सीरीज ऑफ इवेंट्स होती हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि कॉन्फ्लिक्ट जो है उत्पन्न होती है। और कॉन्फ्लिक्ट जो है बेसिकली जो दो ग्रुप्स का या दो इंडिविजुअल का आपस में मतभेद है तो वो लोग अवेयर हैं कि हमारे बीच में कॉन्फ्लिक्ट एग्जिस्ट करती है। सो वट आर द डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट, ट्रेडिशनल व्यू, ह्यूमन रिलेशन व्यू, इंट्रैक्शन और मॉडर्न व्यू पॉइंट। देखो जो ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट है यहाँ पे ये कहता है कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, यहाँ पे ये कॉन्फ्लिक्ट को मानता है कि जो लड़ाई झगड़ा होता है ये हार्मफुल है और हमें कोशिश करनी चाहिए कि इसको अवॉइड किया जाए। तो यहाँ पे ये जो व्यू पॉइंट था ये 1930 और 1940 के अंदर प्रिवेलिंग था। जो ट्रेडिशनल कॉन्फ्लिक्ट है, जो ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट है, ये कॉन्फ्लिक्ट को नेगेटिवली करता है कि ये डिसफंक्शनल है, ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए हार्मफुल होती है, तो ये कंजर्वेटिव व्यू है। तो ट्रेडिशनल जो ट्रेडिशनल जो थिंकर्स थे उनका बहुत ही कंजर्वेटिव व्यू था, वो कहते थे कि ये टोटली बैड है और कॉन्फ्लिक्ट को हमें अवॉइड करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें प्रॉपर मैनेजमेंट टेक्निक जो है फॉलो करनी चाहिए जिसके द्वारा हम कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड कर सकें। ह्यूमन रिलेशन व्यू जो है ये 1940 और 70 के बीच में डोमिनेट रहा था। तो यहाँ पे कहता है कि कॉन्फ्लिक्ट जो है इसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, ये सारे ग्रुप सारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रेजेंट होती है और कॉन्फ्लिक्ट जो है अटल है, ये जहाँ पे भी दो लोग काम करते हैं वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट एग्जिस्ट करेगी। तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट को हम अवॉइड कर सकते हैं अगर वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रॉपर जो है कंड्यूसिव इन्वायरमेंट है, गुडविल का है, ट्रस्ट है, बट फिर भी क्या होगा कि कॉन्फ्लिक्ट वहाँ पे एग्जिस्ट करेगी। लोगों का ओपिनियन डिफरेंट हो सकता है या एम्प्लॉय की पॉलिसी डिफॉल्टी हो सकती है, तो मैनेजमेंट जो है उसको हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि कॉन्फ्लिक्ट को हम किस तरह से जो है ख़त्म कर सकते हैं, जो
लोगों के बीच में मतभेद है, जो कॉन्फ्लिक्ट है, अपोजिंग व्यूज है, उसको हम किस तरह से रिमूव कर सकते हैं। मॉडर्न व्यू पॉइंट जो है इंट्रैक्शन व्यू पॉइंट है। देखो यहाँ पे जो इंट्रैक्शनिस्ट अप्रोच है कि कॉन्फ्लिक्ट जो है बेसिकली जो है इसके पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव भी इसके इम्पैक्ट होते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट जो है नॉट ओनली अ पॉजिटिव फोर्स इन द ग्रुप बट इज ऑल्सो नेसेसरी फॉर ए ग्रुप टू परफॉर्म इफेक्टिवली। ये अप्रोच कहती है कि कॉन्फ्लिक्ट होनी चाहिए, अगर ग्रुप के अंदर हारमोनियस है, पीसफुल है, कोऑपरेटिव है तो वो स्टैटिक हो जाएगी, उसके अंदर चैलेंजिंग जो है वो कॉन्फ्लिक्ट से जो है आता है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट को जो है ये मानती है कि ग्रुप लीडर जो है उसको मतलब परमिट करना चाहिए कि कॉन्फ्लिक्ट होनी चाहिए, तो ये उसकी पॉजिटिविटी के ऊपर जो है हाईलाइट करती है। पर यहाँ पे हम ये भी देखते हैं कि जब जो मॉडर्न व्यू पॉइंट है ये कहता है कि हमें जो कॉन्फ्लिक्ट है उसके अंदर कुछ अच्छे पक्ष भी होते हैं और कुछ खराब पक्ष भी होते हैं, तो यहाँ पे जो नेसेसरी है डैट इज टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन फंक्शनल एंड डिसफंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। देखो मतभेद होना असेंशियल है, कई बार हमें होता है कि इसने मुझे ऐसे कहा था तो मैं ये करके दिखाऊंगा, तो ये चैलेंजिंग है। तो यहाँ पे ये फंक्शन हो गया कि ऑर्गेनाइजेशन में मुझे किसी ने नकारा कहा तो मैं अब उसको प्रूव करके दिखाऊंगा कि मैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मेरी परफॉर्मेंस उससे ज़्यादा बेटर होगी, तो यहाँ पे कॉम्पिटिटिव स्पिरिट है, तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा बेनिफिट है। डिसफंक्शनल ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब हमारी कॉन्फ्लिक्ट है तो उसकी वजह से हम लोगों को इन्फ्लुएंस करना शुरू कर देते हैं कि हमने इस ग्रुप के साथ कॉपरेशन नहीं करनी, नेगेटिविटी स्प्रेड हो जाती है, तो वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस प्रॉफिटेबिलिटी इफेक्ट होती है। तो जो ज़रूरत है दैट हैज़ टू बी डिफरेंशिएट बिटवीन दी फंक्शनल एंड दी डिसफंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ दी कॉन्फ्लिक्ट। जो इंट्रैक्शन व्यू या मॉडर्न व्यू पॉइंट है ये नहीं कहता कि सारे कॉन्फ्लिक्ट जो है अच्छी होती हैं, कॉन्फ्लिक्ट के पॉजिटिव एस्पेक्ट भी होते हैं, नेगेटिव एस्पेक्ट भी होते हैं। देखो जो फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट है, अगर हम कॉन्फ्लिक्ट का जो फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट जो है कई बार देखो उससे हमारी परफॉर्मेंस इम्प्रूव होती है, और कई बार देखो जो कॉन्फ्लिक्ट है उसके अच्छे एस्पेक्ट्स क्या होते हैं। देखो जब कॉन्फ्लिक्ट होती है, जब हम खुल के बताते हैं कि हाँ मेरे मत व्यू पॉइंट इससे डिफरेंट है, तो वहाँ पे क्या होता है कि जब हम उसको एक्सप्रेस करते हैं तो बंदे के अंदर जो टेंशन है वो ख़त्म होती है, क्योंकि अगर हम चीज़ों को सुप्रेस करते हैं तो उससे क्या होता है कि वो ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होती है, उसका ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। तो जब हम कॉन्फ्लिक्ट को एक्सप्रेस करते हैं तो वहाँ पे टेंशन की रिलीज होती है, और उसी तरह क्या होता है कि जब ग्रुप को कोई काम दिया जाता है तो वहाँ पे वो एनालिटिकल थिंकिंग करते हैं, तो डेफिनेटली कुछ लोग डिफरेंट व्यू पॉइंट देंगे, कुछ लोग डिफरेंट देंगे, तो वहाँ पे अगर वो एनालिटिकल एंड लॉजिकल सोचते हैं कि किसका व्यू पॉइंट ज़्यादा बेटर है तो उससे एनालिटिकल थिंकिंग भी डिवेल्प होती है। ग्रुप कोहेसिवनेस के अंदर भी क्या होता है कि जब एक ग्रुप के दूसरे ग्रुप के साथ लड़ाई होती है तो ग्रुप के जो मेंबर्स होते हैं वो अपने ग्रुप के ज़्यादा क्लोज हो जाते हैं, उनके अंदर कोहेसिवनेस जो है ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो इससे भी क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट होता है। और उसी तरह कॉम्पिटिशन, देखो यहाँ पे जब कॉन्फ्लिक्ट होती है तो कॉम्पिटिशन की स्पिरिट भी आती है, और इससे लोग ज़्यादा एफर्ट्स करते हैं, लोग ज़्यादा मोटिवेट हो जाते हैं और चीज़ों को बेटर वे से करने की कोशिश करते हैं। कॉन्फ्लिक्ट जो है जब हमारी होती है, जैसे मैंने कहा कि किसी ने ए को कह दिया कि हाँ तू ये काम कर ही नहीं सकता, तू तो नकारा बनता है, तो वो बंदा ये चैलेंज लेके अपनी एबिलिटीज़ को प्रूव करता है, तो डेफिनेटली इसका एक फ़ायदा ऑर्गेनाइजेशन को होता है। और कॉन्फ्लिक्ट की वजह से क्या होता है कि चेंजेस भी आती हैं, जब भी वो कॉन्फ्लिक्ट होती है तो डेफिनेटली वो अपना एटीट्यूड भी चेंज करते हैं, अपने आप को भी चेंज करते हैं, और यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट की वजह से क्या होता है कि हम अपनी वीकनेसेस को भी आइडेंटिफाई करते हैं, उसको रिमूव करने की कोशिश करते हैं। कॉन्फ्लिक्ट से हमें पता चलता है कि क्या प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती हैं और कौन कौन से लोग इन्वॉल्व हैं, किस तरह से हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, और जो डिसीजन होते हैं उनकी भी क्वालिटी इम्प्रूव होती है। और देखो कॉन्फ्लिक्ट जो होती है, जैसे अगर हम सीरियसली नहीं, जैसे लोगों की कॉन्फ्लिक्ट होती है, आपस में एक दूसरे को जोक करते हैं, उसकी मतलब टांग खींचते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि इंजॉयमेंट होती है जब उस कॉन्फ्लिक्ट को हम सीरियसली नहीं लेते। तो ये फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट है जो लोगों में चैलेंज, लोगों की एबिलिटी, लोगों की परफॉर्मेंस, लोगों को मोटिवेट करती है। जो डिसफंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट होती है ये जो है बेसिकली जो ग्रुप की परफॉर्मेंस को ख़राब करती है। यहाँ पे जैसे इंट्रा इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल
के अंदर चल रही है या इंटर एक इंडिविजुअल की दूसरे इंडिविजुअल के साथ होती है। तो कई बार क्या होता है कि देखो जब कॉन्फ्लिक्ट होती है तो कुछ लोग नेगेटिव जो एनवायरनमेंट है उसके अंदर काम नहीं कर सकते, तो जो अच्छे एबल पर्सन होते हैं दे मे लीव द ऑर्गेनाइजेशन। और कई बार देखो जब भी कॉन्फ्लिक्ट होती है तो वहाँ पे टेंशन क्रिएट होनी शुरू हो जाती है और कई बार मैनेजमेंट जो है उस टेंशन को सॉल्व नहीं कर पाती। और कॉन्फ्लिक्ट से क्या होता है कि देखो जैसे मान लो दो पार्टीज हैं तो वहाँ पे एक पार्टी व्यू देती है, दूसरी पार्टी उसको अपोज करती है। जैसे ए और बी है तो मान लो ए का व्यू पॉइंट ले लिया जाता है तो बी जो है उसका जो बेसिकली हार बी का एग्रीमेंट लूज हो गया तो उसके अंदर डिससेटिस्फेक्शन आनी शुरू हो जाएगी कि ये पार्टी पक्का जो है मैनेजमेंट के क्लोज होएगी, तो वहाँ पे डिससेटिस्फेक्शन स्टार्ट हो जाती है। और कॉन्फ्लिक्ट से क्या होता है कि लोग एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, एक इन्वायरमेंट जो है खराब हॉस्टाइल इन्वायरमेंट जो है उत्पन्न हो जाता है। और उसी तरह देखो जो डिसफंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट है तो यहाँ पे बेसिकली कई बार क्या होता है कि जैसे कॉन्फ्लिक्ट होती है तो जो ऑर्गेनाइजेशन गोल पे जो फोकस करना होता है उस पर हम फोकस नहीं कर पाते, तो वहाँ पे हम बेसिकली कोशिश करते हैं कि हम दूसरे ग्रुप को किस तरह से नीचा दिखा सकते हैं। हम अपने जो पर्सनल इस तरह के गोल्स होते हैं उसके अंदर ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन गोल से हमारी डेविएशन हो जाती है। और कॉन्फ्लिक्ट जो होती है बेसिकली जो है क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन को ये नुकसान पहुंचाती है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक जो है हॉस्टाइल इन्वायरमेंट पैदा हो जाता है जहाँ पे क्या होता है कि लोग दूसरे को ट्रस्ट नहीं करते, तो ऑर्गेनाइजेशन की जो परफॉर्मेंस है एफिशिएंसी है वो काफ़ी जो है खराब होती है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो कॉन्फ्लिक्ट है वो रीजनेबल लिमिट तक फंक्शनल है, उसके बाद अगर लेवल इंक्रीज हो जाता है तो वो ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव हो जाती है, एडवर्स सिचुएशन क्रिएट कर देती है जहाँ पे लोग जो है स्ट्राइक पे बैठ जाते हैं या चीज़ों की तोड़ फोड़ करने लग जाते हैं या दूसरे ग्रुप को नीचा दिखाने लग जाते हैं। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोशिश होनी चाहिए कि ऑप्टिमम लेवल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट जो है होना चाहिए। तो यहाँ पे हम इसको डायग्राम्स देखो, यहाँ पे ये जो है बेसिकली ये है फंक्शनैलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। तो यहाँ पे ये जो है ऑप्टिमम लेवल, क्योंकि अगर देखो लो टू लिटिल कॉन्फ्लिक्ट है तो वहाँ पे क्या है कि बोर्डम सिस्टम के अंदर शुरू हो जाता है, और अगर बहुत ज़्यादा इस तरफ बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाती है तो नेगेटिव इन्वायरमेंट जो है एस्टेब्लिश होना शुरू हो जाता है विच इज़ नॉट गुड फॉर दी ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन डैट हैज टू ऑप्टिमाइज के इतने लेवल तक जो कॉन्फ्लिक्ट है, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट से देखो मोटिवेशन भी होती है और क्या होता है कि चैलेंजिंग भी होता है और लोग अपनी वीकनेसेस को रिमूव भी करते हैं, तो ऑप्टिमम लेवल तक होनी चाहिए क्योंकि उसके बाद एडवर्स सिनेरियो जो है वो क्रिएट होना शुरू हो जाता है। एंड व्हाट आर द लेवल्स ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट, तो यहाँ पे बेसिकली इंडिविजुअल लेवल पे कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है, इंटरपर्सनल लेवल पे कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है, ग्रुप लेवल पे कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है। और इसके साथ ही क्या है कि यहाँ पे जो लेवल्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है इसको हम सेकेंड वीडियो के अंदर जो है काफ़ी डिटेल के अंदर अंडरस्टैंड करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो डू सब्सक्राइब माई चैनल।